नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। 63वें ग्रैमी अवार्ड्स की घोषणा हो गई है। इस साल इस अवार्ड का आयोजन लॉस एंजलिस कॉन्वेंशन सेंटर में हुआ है। कोविड महामारी की वजह से इस समारोह का आयोजन इस साल देरी से हुआ है। यह अवार्ड शो 31 जनवरी को होने वाला था। विजेताओं की घोषणा हो गई है और इस बार बियॉन्से ने इतिहास रच दिया है। इस सिंगर ने 28वीं बार ग्रैमी जीता है, लेकिन यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर लिली सिंह की ग्रैमी अवार्ड में एंट्री ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भारतीय मूल की कैनेडाई यूट्यूबर लिली सिंह ग्रैमी अवार्ड 2021 के दौरान भारत में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में मास्क पहने दिखी। उन्होंने अपनी एक तस्वीर ट्वीट की जिसमें वो ग्रैमी के रेड कारपेट पर हैं और उन्होंने काले रंग का सूट पहना है। इसके साथ ही लिली ने मास्क पहना है जिस पर आई स्टैंड विद फार्मर्स लिखा है। ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन 14 मार्च को लॉस एंजलिस में किया गया था। लिली ने ट्वीट किया कि मैं जानती हूं कि रेड कारपेट अवार्ड शो की तस्वीरों को सबसे ज्यादा कवरेज मिलती है, तो मीडिया ये आपके लिए है, इसका बेझिझक इस्तेमाल करें। #IStandWithFarmers #Grammys। इस तरह उन्होंने किसानों के समर्थन में अपनी आवाज एक बार फिर उठाई और ग्रैमी में इस अनोखे ढंग से इस मुद्दे को पेश भी किया। लिली सिंह कैनेडियन यूट्यूबर, कॉमेडियन और एक्ट्रेस भी हैं। लिली सिंह यूट्यूब वीडियो से हर साल करीब 50 करोड़ रुपए तक की कमाई कर लेती हैं। उन्हें सोशल मीडिया पर सुपर वुमन के नाम से भी पहचाना जाता है। वो 2010 से यूट्यूब पर वीडियो बना रही हैं। 2016 में वो फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले यूट्यूबर्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पर थी। इस तरह लिली सिंह ने एक बार फिर किसान आंदोलन को लेकर अपनी बात कही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।